प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो यहाँ पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट एंड इट्स एडवांटेज क्या होते हैं। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछा गया था, 7th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 2021 में, उसका पेपर का जो है ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है आपका कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट क्या होता है। तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो है ये एक टाइप ऑफ कंक्रीट है जिसमें जो प्रोपोर्शंस होते हैं इन ग्रेडियंट्स का, जो कि सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर है ना, यहाँ पे वाटर छूट गया है, वाटर भी जो है आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो जो भी इन ग्रेडियंट्स हैं उनको जब मिक्स किया जाता है इन आर स्पेसिफाइड वॉल्यूम और वेट विदाउट डिटरमाइनिंग देयर एक्चुअल प्रॉपर्टीज़, एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन किए हुए हम लोग जो है वाई वेट या वाई वॉल्यूम जो है जब हम लोग मिलाते हैं एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में। तो देखो, जब भी कंक्रीट का प्रोपोर्शन में यूज करने की बात आती है तो उस कंडीशन में हम लोग तीन ही लेते हैं, एक सीमेंट, एक कोर्स एग्रीगेट और एक फाइन एग्रीगेट है ना। सैंड जो है हमारा कैसा है, फाइन एग्रीगेट है, सैंड जो है ये हमारा फाइन एग्रीगेट है, ठीक है। सैंड क्या है हमारा, फाइन एग्रीगेट यहाँ पे हमारा है। तो जैसे बोलते हैं ना M1:2:4 प्रोपोर्शन में जो है हम लोग मिला रहे हैं, तो वही हमारा जो है आता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेशियो होता है इनग्रेडियंट का नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में है ना, वो हमारा स्पेसिफाइड टर्म्स होते हैं, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सैंड और वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, एक कॉमन नॉमिनल मिक्स कंक्रीट को लेकर चल रहे हैं तो 1:2:4 जो है लेकर चलेंगे, विच मीन्स 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ सैंड एंड 4 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट लेकर चलते हैं। देखो, जो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट होता है इसमें हम लोग जो है M5 से लेकर M20 तक हम लोग लेकर चलते हैं। इस बीच में जितने भी मिक्स होते हैं, जो भी प्रोपोर्शन यूज किए जाते हैं मिक्सिंग का कंक्रीट के लिए, वो हमारा नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कहलाता है। इसके बाद जब M25 का यूज करेंगे तो उस कंडीशन में हमें डिज़ाइन का पर्सपेक्टिव देखते हुए कि किस डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के अलोंग जो है हम लोग काम कर रहे हैं, उसके अनुसार जो है फिर हम लोग प्रोपोर्शंस को मिक्स करते हैं डिज़ाइन के बेसिस पे, ठीक है। तो एडवांटेज के बारे में बात किया जाए नॉमिनल मिक्स कंक्रीट का, तो इसका सबसे पहला एडवांटेज होता है सिंपलिसिटी। जो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट होता है ये इजी टू डिज़ाइन होता है और सिंपल इन यूज होता है। इसका यूज जो है वाइडली यूज़ किया जाता है स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट जो है लार्ज अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरा एडवांटेज होता है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है ना, इट डज नॉट रिक्वायर लेबोरेटरी टेस्ट, इसमें कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होता है मटेरियल्स का, तो इसके कारण से हमारा पैसा जो है बच जाता है। द क्वांटिटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रेशियो, एक स्टैंडर्ड रेशियो के बेसिस पे जो है डिटरमाइन किया जाता है, जिसके कारण से जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस होता है वो हमारा रिड्यूज हो जाता है, क्योंकि टेस्ट वगैरह कर नहीं रहे हैं, टेस्ट वगैरह परफॉर्म करेंगे तभी तो हमारा पैसा ज़्यादा लगेगा ना। उसके बाद है टाइम सेविंग की बात किया जाए तो इसको तैयार करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी तैयार होता है एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में। बस जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सैंड, सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट, उसको मिला दिए और उसको उससे जो है ऑन साइट एक डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ को जो है अचीव कर लिया जाता है जब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है तब। वर्सेटिलिटी की बात किया जाए तो वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो है यूज किए जाते हैं, जैसे फाउंडेशन, फुटिंग, कॉलम, स्लैब्स, इन सभी केसेस में, मतलब अलग अलग जगहों पे बहु उद्देश्य जो है हमारा यहाँ पे हो जाता है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी, जो प्रोपोर्शंस होते हैं इनग्रेडियंट्स का स्पेसिफाइड, जो कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में, जो कि एक कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी को जो है हमें प्रोवाइड करता है,
विच मेक इट लीड फॉर अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। और इसको जो है जनरली हम लोग जो है स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए ही जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके तो ये चीज़ें हैं, ये आई होप कि आज का जो टॉपिक था नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, ये आपको जो है समझ में आया होगा और इसका क्या एडवांटेज है वो भी मैंने आपको बताया। अगर इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि उस चीज़ को आपको जो है बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से जो है आपको समझाने की पूरी कोशिश की जा सके। थैंक यू सो मच।